देख रहे हैं एचएमयू, वक्त हो गया है खबरों का। भिवंडी में पुलिस द्वारा गुटखा माफियाओं की धरपकड़ सतत जारी है। जबकि पुलिस व उक्त विभाग ने पिछले एक माह में शहर व ग्रामीण क्षेत्र में कुल 6 जगहों पर छापा मारकर तकरीबन 3.25 करोड़ का गुटखा बरामद किया है। हैरत की बात यह है कि छापेमारी के बाद पुलिस सिर्फ वाहन चालक व क्लीनर पर केस दर्ज करके मामले की इतरिशी कर देती है, जबकि इन गुटखों को तस्करी द्वारा शहर में लाने वाले माफियाओं पर पुलिस नकेल नहीं कस रही है, जिसके कारण धरपकड़ के बावजूद तस्करी द्वारा गुटखा लाने वाले व उसका सप्लाई किए जाने का कारोबार बदस्तूर जारी है। पुलिस के अनुसार भिवंडी की कोनगांव पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पिंपलास गांव स्थित आरकेजी गोदाम में एक आयशर टेम्पो में प्रतिबंधित केसर युक्त प्रीमियम नजर 9000 एक्सपर्ट क्वालिटी का गुटखा आया हुआ है। उक्त सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणपत राव पिंगले ने अन्न औषध विभाग के अधिकारियों को साथ में लेकर उक्त गोदाम में छापा मारकर 21,85,000 के कीमत के प्रतिबंधित गुटखा व 8,00,000 रुपए की कीमत का आयशर टेम्पो कुल 29,85,000 रुपए के मुद्दे माल बरामद किया। साथ ही टेम्पो चालक व क्लीनर को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं इसके पहले नारपोली पुलिस ने टेम्पो में 6,68,800 रुपए की मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया था। इसे गुजरात से लाने वाले 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टाटा टेम्पो भी जब्त किए गए थे। यह गुटखा अंकित कुमार त्रिलोकनाथ चौहान व नारायण तानाजी पाटिल उर्फ विकास शिवराज प्रतिबंध के बावजूद भिवंडी ले जा रहे थे। खारगांव रास्ते पर नाकाबंदी की और भिवंडी दिशा की तरफ आ रही 4 टेम्पो को रोक कर उनकी तलाशी ली तो उसमें से 63,30,000 रुपए के मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित तंबाकू, ये सारी चीजें बरामद हुई। गिरफ्तार चालकों ने पूछताछ के दरमियान बताया कि कालवार गांव स्थित में श्री शुभम इंडस्ट्रियल पार्क गोदाम के सामने एक वाहन में गुटखा लादा गया है। उक्त जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल कारगांव गांव पहुंचकर गोदाम के सामने खड़ा एक कंटेनर की तलाश की, जिसमें से 1,03,93,000 रुपए का राजनिवास गुटखा प्रीमियम XL और एक जाफरानी जरदा गोल्ड 9000 PK गुटखा आदि विभिन्न कंपनियों के गुटखा व तंबाकू बरामद किए गए हैं। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।